दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को बेहतरीन विकेटकीपर मानते हैं और धोनी को भी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट 100 लाइक्स का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों इसी तरीके से बांग्लादेश की फील्डिंग सेट करने पर ना अब ऋषभ पंत ने अपना बड़ा बयान दे ही दिया है, और अपने चौंकाने वाले बयान में उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि आखिरकार बीच मैदान में वो बांग्लादेश की ही टीम की मदद क्यों करने लगे थे फील्डिंग सेट करने में। बांग्लादेश की टीम की फील्डिंग सेट करने पर ऋषभ पंत का चौंकाने वाला बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसके तीसरे दिन के खेल में आज भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में इतना ज्यादा बेहतर था कि जीत आज ही हमारी हो चुकी है। तीसरे दिन की शुरुआत ही पंत और गिल ने चौके और छक्के जड़कर की थी, जिसके बाद दोनों अपने शतकों की तरफ आगे बढ़ते हुए चले गए। इस रेस में ऋषभ पंत शुभमन गिल से थोड़ा आगे हो गए थे, और फिर एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने पूरे भारतीय खेमे को और खास तौर पर रोहित कोहली और गंभीर को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया। दरअसल दोस्तों ऋषभ पंत 86 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, और उस वक्त पर मिड विकेट की तरफ कोई भी फील्डर नहीं था बांग्लादेश का, पूरा मैदान खाली था उस तरफ से। ऋषभ पंत एक कवर ड्राइव मारते तो गेंद सीधा या तो चौके पर जाती या छक्के पर। ऋषभ पंत ओवर शुरू होने से पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी और उनके कप्तान को बोलते हैं, अरे भाई एक खिलाड़ी यहाँ भी आएगा, वन फील्डर हेयर प्लीज, हाँ हाँ एक खिलाड़ी को इधर ही लगाओ। अब ये पूरा वाक्य देखकर दोस्तों जहाँ भारतीय टीम का खेमा पेट पकड़कर हंसने लगा था, तो वहीं बांग्लादेशी टीम का नमूनापन तो देखिए कि ऋषभ पंत की सलाह मान भी ली गई और उन्होंने वहां पर एक फील्डर भी लगा दिया था, जिसका कोई फायदा हुआ नहीं दोस्तों, क्योंकि ऋषभ पंत ने फिर उसी के सर के ऊपर से चौके छक्के भी चढ़े उसी ओवर में, और आगे चलकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि आखिरकार उन्होंने क्यों बांग्लादेश की फील्डिंग सेट करवाई। दोस्तों आपको बता दें कि अपने इस मजाकिया जेस्चर पर ऋषभ पंत ने अपने बयान में कहा, देखिए मैदान में जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम होता है, और आप चाहे अपने देश के लिए खेलें या फिर दूसरे खिलाड़ी अपने देश के लिए, आप खेल तो खेल ही रहे हैं। उस वक्त पर मुझे लगा कि बांग्लादेश की टीम कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो गई है मेरे चौके छक्के और गिल के शतक को देखकर, तो कहीं ना कहीं वो डर भी रहे थे। ऐसे में उन्होंने मिड विकेट की तरफ किसी को तैनाती नहीं किया, जिसका नतीजा ये रहता कि मैं उस ओवर में 6 चौके भी मार सकता था, लेकिन बांग्लादेशी टीम की थोड़ी बहुत मदद हो जाए, और वो वैसे भी मुकाबले में हारने तो वाले ही थे, इसलिए मैंने उनकी फील्डिंग वहां पर सेट करने में मदद करी। और उससे बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेशी टीम ने मेरी सलाह को सीरियसली भी लिया और वहां पर फील्डर लगाया भी। वो बात अलग है कि फिर भी मैंने चौके छक्के जड़े और अपना शतक बनाया, लेकिन विरोधी टीमों की मदद करना भी हमारा ही तो काम है। अब ऐसे नहीं करेंगे तो खेल अच्छा कैसे होगा, इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा। दोस्तों ऋषभ पंत ने इसके बाद अपने बयान में खांसी भी पास करी, जिससे पता चलता है कि ऋषभ पंत मजाकिया मूड में ही थे। दोस्तों ऋषभ पंत धोनी के बाद दूसरे पसंद किए जाने वाले सबसे बेहतरीन विकेटकीपर कहे जाते हैं, और आज उन्होंने धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। वैसे आप सभी को धोनी और ऋषभ पंत में से कौन ज्यादा बेहतर विकेटकीपर बैट्समैन लगता है नीचे कमेंट कर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।